काफी लोग मुझसे बोलते भी है टूर की वीडियो बनाओ, तुम्हारा भाई जल्दी सेटअप टूर की वीडियो लेके आएगा। बस थोड़ा सा जो कंप्लीट रह गया हमारा जो मेरा सेटअप है, तो मैं जल्दी सेटअप टूर की वीडियो भी लाऊंगा एंड क्यून वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि काफी लोग मुझसे इस तरह की वीडियो नहीं बनाते, तो मैं जल्दी इस तरह की वीडियो भी बनाना स्टार्ट करूंगा। ओके, इस बात है गाइस इस वीडियो के ऊपर। तो गाइस आज की इस वीडियो में करने जा रहे डार्क ब्लैक स्मोक फोटो एडिटिंग। जैसे कि आपको पता है हमने कलर स्मोक फोटो एडिटिंग काफी करी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम थोड़ा तुम्हारा भाई थोड़ा डार्क ब्लैक इफेक्ट देके स्मोक की फोटो एडिटिंग करता है। ओके गाइस, तो गाइस इसके अंदर जो भी मैं बैकग्राउंड पिन यूज करूंगा सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे काफी बढ़िया बढ़िया तुम्हारा भाई डोप कंसेप्ट डालता रहता है, क्यू एन ए वगैरह भी होता रहता है, तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको वाला बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां पर जाके इजीली इस बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फिर गाइस हमको क्या करना है, हमको सिंपली जाना अपनी ऐड फोटो पे। अब ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हमको लेना अपना मॉडल का पीएनजी, जो कि ये रहा। तो मैंने कुछ इस तरह की फोटो क्लिक कराई थी, तो आप भी इस तरह की फोटो क्लिक करा सकते हो या आप अपना कोई भी अलग पोज दे सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेम पोज दो, जो आपको मन होगा आप उस तरह का पोज दे सकते हो। ओके, तो सिंपली हमें इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट करना है, अपने जो है ना आपको नीचे वॉल दिख रही है इसके ऊपर हमें ऐसे बिठाना है इसको सिंपली। ओके, तो अब हमको सिंपली यहाँ से कर देना है डन। ओके गाइस, सो गाइस अब मैं जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर। अब हम लेंगे गाइस एक हेयर पीएनजी, तो इस हेयर पीएनजी का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरे हेयर है, बस मैंने इसमें थोड़े से साइड में एजेस को हल्का सा सीबी एडिटिंग की तरह करा है, सीबी की तरह मतलब सीबी हेयर पीएनजी की तरह, एंड इसको हल्का हल्का से नीचे से इरेज कर लेना ताकि आपकी फ़ोटो में बिल्कुल ये आपके जो हेयर से बिल्कुल मैनेज हो जाए, रियल लगे ऐसे। ओके, फिर हमको यहाँ से सिंपली कर देना है डन। अब हमको जाना है गाइस ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस आपको ये मास्क का पीएनजी लेना है। तो ये जो मास्क का पीएनजी है मैंने बहुत पहले भी यूज़ करा था अपने, पबजी की एडिटिंग करी थी मैंने, उसमें मैंने ये मास्क का पीएनजी को यूज़ किया था, तो इसी पीएनजी को मैंने ले लिया। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी गूगल पे जाके कुछ कोई और पीएनजी ढूंढने के लिए, तुम्हारे भाई के पास ये पीएनजी पड़ा था, मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हमें सिंपली इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। तो क्या एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पीएनजी मास्क का जब भी आपका यूज़ हो पाएगा तब आपका जो फेस है ये मतलब लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड में ना, अगर आप फ्रंट पे देखोगे तो नहीं यूज़ हो पाएगा, क्योंकि इसका जो शेप है कुछ इस तरह का ही है। तो इसको मैं ऐसे लगाऊंगा, पहले अपने फेस पे फिट करूंगा ऐसे। ओके, फिर मैं जाऊंगा इरेजर टूल पे, हार्डनेस फुल इंक्रीज कर दूंगा, एंड जो भी मेरे गॉगल्स के ऊपर एरिया आ रहा है ना सिंपली मैं इसको इरेज कर दूंगा ऐसे। ओके, सो गाइस जो भी मेरे गूगल्स के ऊपर एरिया आ रहा था मैंने उसको इरेज कर दिया। अब हम इसकी वापस से ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। देखिए जैसे मैंने ओपेसिटी बढ़ाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने अपने फेस पे जैसे मास्क लगा रखा हो। तो अब हमें सिंपली यहाँ से कर देना है डन। अब हम जाएंगे गाइस ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी करा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी जो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट देख के ऐसा लग रहा था जो स्मोक के पीएनजी लगाना काफ़ी हार्ड है, बट तुम्हारे भाई ने सारे स्मोक के पीएनजी बिल्कुल सेट कर रखे हैं ताकि आप सिंपली अपनी फोटो पर ऐसे लगाओ जो पूरा मैनेज होता है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, सो गाइस अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर मान लीजिए आपके फोटो में बिल्कुल परफेक्ट सेट नहीं हो पाता, आपका पोज अलग है, तो आपको करना है सिंपली इसका साइज वगैरह थोड़ा बड़ा करके, एंड अगर आपके फेस वगैरह प्यार हो तो आप ऐसे इरेज करके भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल कर लेता हूँ जैसे मेरा था, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपके फेस पर नहीं आना चाहिए स्मोक, नहीं तो फोटो काफ़ी बेकार लगेगी। ओके, सो अब मैं सिंपली यहाँ से कर देना है डन। अब मैं जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस मैं लूंगा पार्टिकल्स के पीएनजी, देन सिंपली इसका साइज फुल करना एंड ब्लेंड पे जाके कर देना इसको स्क्रीन ऐसे। जैसे आप स्क्रीन करोगे जितने भी आपका ब्लैक ब्लैक एरिया था पार्टिकल्स के पीछे वो सारे इरेज हो जाएगा, फिर आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। ओके, सो अब हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो पर जाने के बाद लास्ट स्टेप रहेगा जो कि मान लेगा साइन पीएनजी। तो साइन पीएनजी को जहाँ जहाँ आपको लगाने की जरूरत है, मतलब जहाँ जहाँ थोड़ा सा जैसे आपने रिंग्स पहन रखे हो तो उस पर लगा सकते हो, काफ़ी डोप लगते हैं, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं।
एंड दूसरे वाले पीएनजी को हम यहाँ पे, मैंने ये थोड़ा सा इयररिंग पहन रखे तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे लगा दूँगा ऐसे, है ना, परफेक्ट लग रहा है। एंड अब आपको सिंपली डन कर देना यहाँ पे। ओके सो गाइस, ये देखिए आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है रेडी हो गया। अब तो अब हम ड्रॉ टूल पे जाके कर देते हैं अपनी फोटो को सेव। सो मैं हर चीज़ ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में आपको हर एक डिटेल दे सकूँ वीडियो के अंदर, कि मतलब मैंने कैसे एडिट करी, अगर आप कुछ स्टेप रह जाए तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ गाइस। ओके सो मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा रखी, काफ़ी डोप लग रहा है। तो अभी हम खोलते हैं अपने लाइट रूम बाबा। तो लाइट रूम बाबा के अंदर हम इस फोटो में थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो अपनी फोटो को मैं कर लेता हूँ ऐड। सो गाइस, मेरी फोटो ऐड हो चुकी है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको इधर जाना है, ठीक है, देन फोटो की हल्की सी हाईलाइट को इंक्रीज करना है, बिल्कुल हल्की सी, एंड शैडो को ऐसे, ओके, एंड जो ब्लैक है ना गाइस, ब्लैक को आपको ऐसे कम करना है। फिर आपको जाना है गाइस टूल पे, मिक्स पे जाना, देन जो आपका ब्लू कलर है इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना। आपको देखिए, जैसे आप माइनस करोगे आपकी फोटो बैकग्राउंड से मैच होने लगेगी, काफ़ी डोप लगेगी। एंड जो आपका फेस कलर है वो ऑरेंज, उसकी भी हल्की सैचुरेशन को हम ऐसे कम कर देंगे। एंड जो ग्रीन कलर है मेरे चश्मे में दिख रहा है, हम इसकी भी सैचुरेशन को ऐसे कम कर देंगे ये, ठीक है। एंड फिर हमको कर देना है यहाँ से डन। फिर गाइस हमको जाना ऊपर टूल पे, सिलेक्टेड टूल पे। तो सिलेक्टेड टूल से लाइट रूम के मॉडल वर्जन में आता है, अगर आपको मॉडल वर्जन डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पर जाकर लाइट रूम का प्रीमियम वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। ओके सो प्लस पे जाना, ग्रेडिएंट पे जाना, नीचे से आपको कुछ इस तरह के ग्रेडिएंट मारना है, एंड इसके बाद उसका एक्सपोजर ऐसे कम कर देना। ओके एंड फिर आपको सिंपली कर देना है डन। ओके गाइस, तो अब हमको यहाँ पे जाना है, फोटो में शार्पनेस बढ़ाएंगे ताकि हमारी फोटो बिल्कुल शार्प हो जाए, एंड हल्का सा नॉइस रिड्यूसन ऐसे कुछ इस तरीके से, ताकि जितना भी नॉइस है ख़त्म हो जाए। सो गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा जो हाथ है इसके कलर कुछ ज़्यादा आँखों में चुभ रहे हैं, तो इसकी भी हम सैचुरेशन को ऐसे कम कर देते हैं यहाँ पे जाके, हाँ ये ऐसे, ठीक है, एंड डन कर देते हैं। तो अब मैं सेल टूल पे जाऊँगा, फोटो में क्लियरिटी को बढ़ा दूंगा थोड़ी सी ऐसे थोड़ी, ताकि फोटो और डार्क हो जाए ऐसे। देखिए बिल्कुल डार्क हो गई हमारी फोटो अब, एंड विग्नेट को ऐसे कम करना है। ओके एंड हल्का सा गेन अमाउंट को बढ़ाएंगे अपनी फोटो के अंदर, ताकि जो भी नॉइस है हल्का हल्का जो रियल नॉइस होता है वो हमारी फोटो में आ जाए। ओके सो हाईलाइट को हम कम कर देंगे, कुछ ज़्यादा हाईलाइट लग रही है, एंड वाइट को भी कम कर देंगे, एंड ब्लैक को कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम हल्का सा इंक्रीज कर देंगे ऐसे। ओके सो अब आप देखो गाइस कि हमारी फोटो पूरी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा दूँगा गाइस हमारी फोटो पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। देखिए गाइस हमारी फोटो कुछ इस तरह की थी, फोटो के अंदर ब्लैक टोन बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन तुम्हारे भाई लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग करी, देखिए काफ़ी ब्लैक टोन आ गया, एंड फोटो क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं हुई। जैसे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए दीवार फटी हुई पूरी दिख रही है, एंड बिफोर एंड आफ्टर। तो अब मैं क्या करूँगा, शेयर पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, अपनी फोटो को कर लूँगा सेव अपने मोबाइल में। तो ये जो भी फोटो है HD में सेव हो चुके हैं मेरे मोबाइल में, एंड ये रेडी है अब इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। ओके सो गाइस, आई होप आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाओ इस तरह की एडिट करो, ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होएगी, क्योंकि अभी मेरे फोटो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड ये कुछ नया होगा डार्क ब्लैक स्मोक। ओके सो गाइस, चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ अभी नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो, मौज करो। एंड गाइस एक चीज़ और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना। ओके गाइस, सो बाय, लव यू ऑल।